सतगुरु गरीब दास बंदो नित शुभ श्याम चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। तन तन जगत गुरु सतगुरु दास जी महाराज, तन तन सतगुरु स्वामी सरबदास जी महाराज जी के पावन चरणा कमलों विच विराजमान, अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन जाप उपरंत अमृत बाणी के कीर्तन सरवण कर रहे गुरु साध संगत जी, अज बहुत ही बड़भागा समा है। श्रीमान मोहन लाल जी, बीबी गुरबख्श कौर जी, तिना के सपुत्र वीरपाल जी, जीवन साथी बीबी रीना जी, सारे परिवार ने मेरे काका बन मरते जन दिया खुशियां के अंदर अज अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन जाप करवाए हैं। मैं सब तो पहले आज शुभ अवसर से सारिया संतान लख लख वरदाना दिता हाँ। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने संसार में आके हक और सच की आवाज बुलंद की और कुल इकाई पराधीनता भेदभाव अडंबरा तो मुक्त होके संतान की संगत में जाके हरदा सुनन करके बेगमपुरे वतन के वासी बनते पावन उपदेश बख्श किए, जिन्हों उपदेशों सरवण करके सारे वर्गों के लोग जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणा कमलों में झुके और उन्होंने अपना अनमोल जीवन सफल किया। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी अमृत बाणी में उपदेश प्रकट करते हैं, कह रविदास भज हर नाम प्रभ सो ध्यान सफल सबका, जेड़ा जीव इस दुर्लभ जन विच प्रभु का नाम जपता है हर का ध्यान करता है उसके सारे कार्य संपूर्ण होंगे हैं। सगल जीव शरणागति प्रपूर्ण का जो जीव संसार जाके परमात्मा स्वरूप संता महापुरुषों की शरण ग्रहण करता है उस जीव के सारे कार्य संपूर्ण होंगे हैं। ये हर के नाम की वड्याई है और हर मिलता मार्ग संतान की संगत में जाके प्राप्त होता है। जगत गुरु रविदास महाराज जी उपदेश बख्श करते हैं, संत अनंत है अंत नहीं, संसार विच संता विच और परमात्मा विच कोई अंतर नहीं है। जदों जीव संता महापुरशां दी शरण विच जांदा है और संत महापुरश पहला उपदेश बख्श करते हैं कि भाई ज्ञानवान बनो, नशियां का त्याग करो, शुभ कर्म करो और अपनी मेहनत मशक्कत करो, प्रभु भगत सत साधना जग में जिन्हें पास तिन ही जीवन सफल भयो, सत पाखे रविदास जिन्हां जीवां दे जीवन विच प्रभु दी प्रेरणा भक्ति और मेहनत करन दी शक्ति है उन्हां दा मूल जीवन सफल हो जाता है।
ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ।